गाइस वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। यहाँ पर मैक्सिकन लीग का भी एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा क्यूई वर्सेस एटलस के बीच 6:36 पे। अजीब टाइमिंग है 6:36। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो क्यूई एंड एटलस के अंदर जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं फेवर करूँगा एटलस को। और ATL टीम और क्यूई लास्ट सीज़न से भाई देखता आ रहा हूँ, अबे दोनों में फ़र्क ही नहीं है। एटलस जिस रैंक पे होती है उससे 1-2 रैंक नीचे होती है क्यूई। मतलब बराबर की टक्कर क्यों कर रहे हैं ये लोग, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जबकि एटलस को एक बड़ी टीम बनना चाहिए यार, मेरा ऐसा मानना है। बट क्या है कि देखो, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, वो जैसा खेलेगी उन्होंने वैसा ही खेलना है। मेरे कहने से तो वो अच्छा बुरा खेलेंगे नहीं। तो स्ट्राइकिंग की अगर मैं बात करूँ, देखिए सुपलेवेडा काफ़ी बढ़िया प्लेयर क्यूई का, और अच्छा कर रहा है इन दिनों यार। 16 जुलाई की अगर मैं बात करूं, तो 16 जुलाई के बाद सीधा 28 अगस्त को इन्होंने मैच ऐड किया, लेकिन जो मैच बीच में हुए थे लीग्स कप के, उसमें सुपलवेडा ने बहुत खूब नाम कमाया था। मतलब जुलाई से अगस्त के महीने में इस बंदे ने खूब गोल किए हैं और पेनल्टीज़ भी ली हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्लेयर एटलस का, वो है जॉर्डी। जॉर्डी फिट है अब, पहले इंजर्ड था यार वो, जुलाई से पहले इंजर्ड था। अब तो ठीक है, पता नहीं लोग कैसे इंजरी रिपोर्ट दे रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है उसको। फिर अगर वो इंजर्ड होता तो वो खिलाते ही ना। उसके बाद जो हमारे अगला प्लेयर है गाइस, वो हमारा होगा एग्वर, ठीक है। क्योंकि एग्वर थोड़ा सा बेटर है अगर खेलते हैं, अगर एग्वर नहीं खेलता तो मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर आके मैं लूँगा उसको तो लेना है, फिर मैं सॉलरी को लूँगा, ठीक है। फिर सॉलरी खेलेगा, या तो अगस्तो सॉलरी खेलेगा या खेलेगा एग्वर, दोनों में से एक खिलाड़ी चुनना है और दोनों में से आपने चुनना है, ठीक है। सुबह चुन लेना आप, तो तब तक आप सेव कीजिए रोचा को, क्योंकि रोचा इज़ अ मेन प्लेयर। रोचा के बाद लोजैनो लेना है ले लो, नहीं लेना तो भी चलेगा, बट मैं लूँगा। और ऑपोजिशन टीम की बात करें तो क्यूई का एक प्लेयर है पैब्लो बरेरा, ये मैंने आपको पहले ही कहा था ये सिर्फ एक नाम है। अगर आप सही मानने में बोलूं, अगर इस बंदे की सिलेक्शन आज 10-15% होती ना, तो आप इसको पूछते भी नहीं। और मेरे जैसा बंदा ऐसा रिस्क ले सकता है, इसकी सिलेक्शन 100% भी हो मैं तब भी छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पी बरेरा से एक्सपेक्टेशन नहीं है। जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना, समझ जाओ उस पर भरोसा नहीं, सीधी बात है। क्योंकि इससे बढ़िया तो आर लोपेस खेल लेता है, जबकि मैं रोड्रिगो के साथ जाने वाला हूँ इस मैच में। और जो मेरा अगला प्लेयर है वो होने वाला है KS कमेला, ठीक है। मैं उसको नहीं लूँगा, क्योंकि पी बरेरा बहुत वीक गेम खेलता है। 10 मैचेस में 2 गोल तो गाइस कोई भी कर लेगा, 9 सीखिया, ठीक है। आगे से बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, तो यहाँ पर लूँगा एल्ड्रियस को। एल्ड्रियस इज़ अ मेन प्लेयर। उसके बाद सेंटा मारिया तो अजीब प्लेयर है, कभी बहुत अच्छा कभी बिल्कुल बुरा। लास्ट सीज़न तो बड़ा तंग किया था इस खिलाड़ी ने, कभी बहुत अच्छा खेलता था कभी बिल्कुल बुरा, बट मैं इसको कभी भी ड्रॉप नहीं करता। एंड आगे से बात करें एबला की, देन एबला वॉज डूइंग थर्ड डिफेंडिंग, तो एक अलग ही लेवल का गेम होने वाला है। और नेवरो को तो आप जानते हो, नेवरो को तो अच्छी तरह जानते हो, अगर आप पुराने हो मैक्सिकन लीग में या आपको खेलते हो टाइम हो गया, तो आपको पता होगा कि नेवरो क्या खिलाड़ी है। और बात करें गोल कीपिंग सेक्शन से, तो यहाँ पर लूँगा क्यूई का प्लेयर फर्नांडो तापिया। और हम बात कर रहे थे सॉलरी की, तो सॉलरी और ई एग्वर में से आपने एक प्लेयर लेना है, अगर आप चाहें GL में भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ये आपको समझाना था। बात करें कप्तान की, तो कप्तान जो मेरा है वो है एटलस टीम का जॉर्डी कैसिडो, और मेरा जो वाइस कप्तान है लॉग रोचा को रख रहे हैं, बट मैं रखूँगा एल्ड्रियस को। मैंने एक रिस्क लिया है इस मैच में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।